राजस्थान में चुनावी शोर के बीच में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी की सीनियर नेता और सचिन पायलट की करीबी पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने पाला बदल लिया है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बता दें कि ज्योति खंडेलवाल 2019 में जयपुर से कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार रही थी, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार चुनाव में वह हवा महल सीट से चुनावी दावेदार रही। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा, आज चंद्रशेखर बेद, नंदलाल पूनिया, ज्योति खंडेलवाल समेत पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर वेद विधायक रहे हैं, नंदलाल पूनिया भी राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं, ज्योति खंडेलवाल जयपुर से महापौर रही हैं, हरी सिंह सारन, सावरमल महिरिया पूर्व आईपीएस अफसर, केसर सिंह शेखावत पूर्व आईपीएस अधिकारी, भीम सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कल कुछ गारंटियां दी हैं, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों के कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी का क्या हुआ, राजस्थान के विकास की गारंटी का क्या हुआ। बता दें कि चंद्रशेखर बेद के पिता भी राजस्थान में 8 बार विधायक रह चुके हैं। बता दें कि ज्योति खंडेलवाल 20 साल तक कांग्रेस में रही। 2018 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जयपुर से टिकट मिला, लेकिन वह बीजेपी के रामचरण बोहरा से हार गई थी। कुछ दिन पहले ज्योति ने वसुंधरा राजे की तारीफ भी की थी, उसके बाद वह चर्चा में आ गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्योति को किशनपुर सीट से उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा इसके साथ ही छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाटी जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे हैं। आपसे बोड़मेर से टिकट मांग रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, ऐसे में भाजपा रविंद्र भाटी को चुनाव मैदान में उतार जरूर सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम गहलोत के ईडी को लेकर बयान पर निशाना साधा। जोशी ने कहा कि मैं सीएम के बयान की निंदा करता हूँ। ईडी उन लाखों युवाओं को न्याय देने के लिए काम कर रही है जो गरीबों, किसानों या आदिवासियों के बेटे हैं। पार्टी की ओर से इस बयान की निंदा मैं करता हूँ। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, सीएम ने कल नई योजनाओं की घोषणा की थी। आदर्श आचार संहिता में निर्देश दिए गए हैं कि सत्ताधारी सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती। हम ऐसा लगातार देख रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और बार बार नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है जो कि आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं हो सकती।